बिजनौर के मंडलावर रोड स्थित सम्राट फार्म हाउस में ग्रेट फार्मेसिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले एक सभा का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य पूरे जनपद के फार्मेसिस्टों को एक छत के नीचे लाकर उत्पीड़न से बचाकर कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं से एक साथ मिलकर समाधान करना होगा। फार्मेसिस्टों के मेडिकल लाइसेंस बनने में अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला शोषण, मेडिकल लाइसेंस किराए पर चलाना आदि के खिलाफ फार्मेसिस्टों ने लामबंद होकर इस तरह की समस्या को रोकने के लिए सभा का आयोजन किया। इस सभा में बड़ी संख्या जिले के कई वरिष्ठ फार्मेसिस्ट डॉक्टर युवा फार्मेसिस्टों ने हिस्सा लिया और विचारों का आदान प्रदान किया। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है भाइयों, मगर जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। तो भगवान सबसे पहले खुशियां उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उनके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और युवा पीढ़ी जो आगे बढ़ती है, कहानी की जिस मेरा नाम तुषार वशिष्ठ है, मैं बिजनौर से ग्रेट फार्मेसिस्ट वेलफेयर सोसाइटी का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने फार्मेसिस्टों के लिए जो ये एसोसिएशन है, ये किस उद्देश्यों को लेकर काम करेगी? ये हमारे फार्मेसिस्टों की किराएबाजी, उनका लाइसेंस में जो दिक्कत आती है, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने जाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर का उत्पीड़न, ड्रग विभाग का कोई भी उत्पीड़न या अदर समस्या है, उनके उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आज ये सम्राट फार्म हाउस में जो आपने प्रोग्राम कराया है, इसका क्या मतलब है? ये हमारा उद्देश्य एक फार्मेसी सम्मेलन है जिसमें सभी लोगों को जोड़ा गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट एकत्र हों और सब एक छत के नीचे आ जाए, क्योंकि अभी तक जितने ही फार्मासिस्ट हैं वो सारे बिखराव में हैं। इस संस्था में कितने लोग जो हैं आपके? अभी लगभग हमारे 150 से 200 के लगभग सदस्य और पदाधिकारी हैं बिजनौर जिले में। मेरा नाम रोहित चौधरी, मैं ग्रेट फार्मासिस्ट बैनर सोसाइटी का जिला सचिव हूँ। आज जो है आपने सम्राट में प्रोग्राम रखा है, क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी फार्मेसिस्ट हैं, रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट हैं हमारे जिले में, वो सारे एक दिन एक जगह इकट्ठा हो, उनका एक अपना वजूद हो, उनकी कोई प्रॉब्लम हो वो हम उसकी सॉल्व कर पाएँ। मतलब DIO पे जाते हैं अपने लाइसेंस बनवाने के लिए, तो उसकी लाइसेंस की जो फाइल बनी रहती है वो एक दो महीने तक ऐसी रखी रहती है, ना उस पर कोई कार्रवाई होती है ना कुछ होता है। एक सोसाइटी होगी, गठित होगी, एक दबाव होगा कि हाँ भाई, हम उनसे जाके कह सके कि हम फलाने यूनियन के जिला सचिव हैं, हमारा काम जल्दी कीजिए, या हमारे फार्मेसी के विभाग के किसी भी काम को जल्दी से करिए। बस यही हमारा उद्देश्य है कि सारे फार्मेसिस्ट एक जगह इकट्ठा हों। और फार्मेसिस्टों को किस तरीके से जो है लाभ पहुँचेगा? इसमें फार्मेसिस्टों को लाभ पहुँचा, पहले फार्मेसिस्ट का जो लाइसेंस होता था वो कोई भी मेडिकल स्टोर का 10,000 रुपये पर 15,000 रुपये लगा के रख देता था, 2-3 साल कोई पता नहीं करता था उसका। अब ये यूनियन इकट्ठी हुई, उसमें फार्मेसिस्ट का लाइसेंस ऑनलाइन होने लगा, ऑनलाइन से ये सत्यापन हुआ कि अब फार्मेसिस्ट का एक लाइसेंस एक ही दुकान पे लग पाएगा। अब फार्मेसिस्ट की लाइसेंस की कीमत 50-60 हज़ार रुपये हो गई है। उसके ये किराए जो किराएबाजी करते हैं, उसके लिए बना करने के लिए एक सोसाइटी तैयार की गई है, किराएबाजी ना की जाए, अपनी दुकान की जाए, अपनी मेडिकल स्टोर किया जाए, जिससे बेनिफिट हो सके। इन चीज़ों को कहाँ तक पाबंदी मतलब लगेगी? बस सभी पाबंदी ली जाएगी कि किराएबाजी बंद की जाए, अपना मेडिकल स्टोर किया जाए, किसी दूसरे के मेडिकल स्टोर पर अपना लाइसेंस ना लगाया जाए। 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के फार्मेसिस्ट उसकी जो दवाई बेचते हैं उसके लिए।